नमस्कार, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बागेश्वर बाबा जो आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, वहां पर मैं आ चुका हूं। मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ है और यहां पर काफ़ी संख्या में पुलिस बल और सैनिक जो है तैनात है। बड़ी अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही, मैं आपको सारा भी दिखा रहा हूँ। महात्मा जी बड़ी तैयार थे। राम राम जी, आपका शुभ नाम क्या है? नजदीक आओ। निर्मला। निर्मला जी, ये बताइए कि कब से आ रही हैं आप यहाँ पर? काफी टाइम से आ रही हैं। तो आपको बाबा बागेश्वर जी का जो आप दर्शन कर रही हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, दर्शन करने आए बाबा जी के। अच्छा, कुछ क्या मनोकामना आपकी पूरी हुई? कर ही देंगे बाबा जी, जो सोचा हुआ है वो कर ही देते हैं बाबा। आपका शुभ नाम क्या? शर्मा। अच्छा शर्मा जी, बताइए कहाँ से आप आई हैं? सूरजपुर से आ रही हैं। कब से आ रही हैं? कल से। कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आपको लग रहा है कि बाबा जी की कृपा आपके ऊपर पूरा बरस रही है? हाँ जी। क्या मनोकामना आपकी पूरी हुई यहाँ? क्या शांति मिली, कुछ बताएं? बहुत मन को इतनी शांति मिली है। और मैं बहुत बीमार रहती थी, मेरे को कल इतना महसूस भी नहीं हुआ कि मैं जैसे बीमार। मतलब आपका बिल्कुल तबीयत आराम है? बिल्कुल ठीक रही थी। मतलब इतनी शांति मन में आ गई? मन में बहुत शांति रही थी। बिल्कुल भी बहुत अच्छा लगा है। बहुत बहुत। आपका नाम क्या है? शर्मा। अच्छा शर्मा जी, ये बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मन को शांति मिल रही है, बाबा की कृपा बरस रही है आपके ऊपर। तो दोस्तों देखिए, अब इधर से लोग आगे बढ़ रहे हैं, शायद पंडाल की तरफ रास्ता। यहाँ पर सिंदूर है या पूजा पाठ के कुछ सामान है, कुछ मुँह जैसे माला वगैरह है, देखिए बेच रहे हैं लोग। आपका नाम क्या है? पूरन बंसल, हिसार से। हिसार हरियाणा से। हरियाणा से हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताएं कि आप कब से आ रहे हैं बागेश्वर बाबा धाम में? लगभग 8 महीने से जी। वहाँ पर आते होंगे बागेश्वर? तो यहाँ पर आप आए, आपको कैसा महसूस हो रहा? बहुत बढ़िया। व्यवस्था कैसी प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया व्यवस्था, अब मन को शांति मिल रही है? बिल्कुल। आपका क्या नाम है? विशाल अग्रवाल। अग्रवाल साहब, ये बताएं कि जब से आप आ रहे हैं आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। प्रशासन की तरफ से कोई दिक्कत? बहुत अच्छी, बहुत व्यवस्था है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे तरफ से बढ़िया। तो देखिए दोस्तों, भक्त लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ भी बड़ी अच्छी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अब इधर मैं गेट के साइड में आ गया हूँ, आइए आप इधर आइए। काफी संख्या में देखिए लोग हैं, इधर कैमरा इधर देखिए, हल्का सा लगाइए। तो देखिए आगे इधर कैमरा घुमाइए, ये देखिए इधर, इधर देखिए काफी भीड़ है, ये बच्चियां खड़ी हैं, देखिए आ जाइए आइए। यहाँ पर कैमरा घुमा लीजिए, प्रशासन भी इधर खड़ा है, बड़े मुश्किल से आपको दिखा रहा हूँ कि इधर मेन गेट में ठीक है, देखिए मेन गेट की तरफ दिखाओ, देखिए मेन गेट यहाँ का ये है और यहाँ पर पुलिस गाड़ी खड़ी है, बड़ी अच्छी व्यवस्था मुस्तैदी से। इधर से दिखाइए, इधर दिखाइए, कैमरा तो घुमाइए, देखिए पीछे भी उधर, आगे भी पुलिस है, इधर भी देखिए, इधर दिखाइए, देखिए सारी पब्लिक आ रही है, चलिए आइए। अब यहाँ से देखिए एंट्री है और देखिए यहाँ पर कैमरा घुमाना, इधर कैमरा घुमाओ, देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी मुस्तैदी से खड़ा हुआ, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। इधर से भी देखिए पुलिस प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से, इधर भी देखिए, इधर घुमाओ कैमरा, देखिए पूरे सब लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, प्रशासन बड़ी मुस्तैदी से, आइए इधर आइए। आपका नाम क्या? शीतल जी, ये बताएं, नजदीक आइए थोड़ा कैमरा लेकर। अच्छा ये बताइए कि आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? तो पहले भी भक्त थे बाबा के कि अब यहीं से भक्ति चालू हुई है? झूठ नहीं बोलेंगे, पिछले 2-3 महीने में ज्यादा चालू हुई है। अच्छा, लेकिन वैसे जैसे देखते जा रहे हैं वैसे चलता है। क्या आपको कोई ऐसी मनोकामना पूर्ण हुई है जो हमारे हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ताकि उनको भी लगे कि हाँ? अभी तो शुरुआत है, पूरी होगी तो जरूर। मतलब अभी आपके मन को सिर्फ शांति है? हाँ जी, शांति। आपका शुभ नाम क्या है? आशा। आशा जी, ये बताएं कि कब से आप आ रही हैं यहाँ पर? रोज ही आ रहे हैं, कलश यात्रा। पहले से कब से बाबा जी से जुड़े हैं? अभी पिछले कुछ 1 महीने से मेरा ज्यादा। आपको लग रहा है कुछ पहले से कुछ फर्क लग रहा है आपके लाइफ में? मन को शांति है कुछ?
मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ आज और पहले में कुछ फर्क आ गया? फर्क है, दो तीन दिन से तो मुझे ज्यादा लग रहा है। निशा है जहाँ पे महाराज जी का मंच बना हुआ है, इसके बाजू वाला जो मंच है उसमें उसकी मम्मी बैठी हुई है। हाँ, पूजा नाम की बच्ची है। मिल गई क्या? अभी नहीं मिली है। वो पूजा करने के बाद तो वो पूजा तो बूट पहनना अलाउड नहीं है क्योंकि मैं बूट पहन रखा हूँ। उतार देते हैं। नहीं बुलेट से आगे पंडाल हुए लोग पूजा ना व्यवस्था में शामिल हैं। बहुत बड़ा आयोजन है, इसमें आप इतने परेशान ना हो। हो सकता है थोड़ी बहुत बच्चों को लो, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। इन्हें आगे ले आओ आगे। दोस्तों देखिए आगे साधु संत लोग बैठे हैं, यहाँ पर माताएं बहनों जी देखिए बैठे हैं, लेडीजों का कहना है आगे लेडीज ही नहीं आता। दोस्तों देखिए देवेंद्र शास्त्री जी श्रीमद् भागवत पुराण का कथा शुभारंभ कर चुके हैं। अब आपको मैं आगे दिखाऊंगा जैसी कथा जैसे आगे चलती है। देखिए देवेंद्र शास्त्री जी महाराज कलीनता से भगवान का जो भजन है अनुसरण कर रहे हैं, सुना रहे हैं। दिनेश शास्त्री जी बहुत ही दिव्य पुरुष है जो पूरे देश के विदेशों में हिंदू समाज का या पूरे मानव समाज का कल्याण कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आज का प्रोग्राम मैं ही खत्म कर रहा हूँ। हमारा आज का जो वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।